आप देख सकते हैं बगल में AK-47 जैसा यहाँ पर बंदूक पड़ा हुआ है, साथ साथ में छोटा छोटा कट्टा जैसा भी यहाँ पर रखा हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से दुर्गा माँ यहाँ पर लेटी हुई है और कुछ बेटियाँ जो है उसको रक्षा कर रही है दुर्गा माँ की। ये जो थीम है पूरा अनोखा लगा, अजूबा लगा और देशभक्ति से ओतप्रोत लगा। और बंदूक और कट्टा AK-47 के साथ यहाँ पर बेटियाँ प्रस्तुत हो, ये इसका जो थीम है, ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए थे आप? अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ से घूमने के लिए और मैंने एक थीम देखा। थीम क्या था कि एक जो है दुर्गा माँ यहाँ पर लेटी हुई है और कुछ जो है लड़कियाँ इसको रक्षा कर रही है। आप देख सकते हैं कुछ लड़कियाँ इसको रक्षा कर रही है और बगल में आप देख सकते हैं उधर से कुछ दो एक कुख्यात उधर से आ रहे हैं और एक उधर से आ रहे हैं और जो कुछ लड़कियाँ उनको रक्षा कर रही है। बाकी मतलब आप समझ सकते हैं जब बेटियों की रक्षा जो होगी अब बेटियों ही करेगी। आप देख सकते हैं बगल में AK-47 जैसा यहाँ पर बंदूक पड़ा हुआ है, साथ साथ में छोटा छोटा कट्टा जैसा भी यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं एक हाथ में यहाँ पर तिरंगा है, दूसरा हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आर्मी वाला जो टोपी है ये भी रखा हुआ है और साथ साथ बहुत सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो थीम है पूरा अनोखा लगा, अजूबा लगा और देशभक्ति से ओतप्रोत लगा। मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक करके जो गाँव जो वासी हैं या जो भी बनाए हैं इन सबसे बातचीत कर लेते हैं आखिरकार ऐसा थीम, ये जो है बंदूक ये उसके साथ साथ तिरंगा ऐसी और वो भी लड़की जो है वो रक्षा करते हुए दूसरी लड़की के, ऐसा थीम मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सोचा जो लोग जो भी बनाए हैं वो ज़रूर उनको बुलाए और उनको आगे बढ़ाए। पहले सबसे पहले बुलाते हैं भाई साहब को, ये क्या कहना चाहते हैं? इधर आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए। सबसे आपका नाम क्या ये बताइए? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, ये कौन सा गाँव पड़ता है ये बताइए? ये बहरिया गाँव पड़ता है। बहरिया गाँव पड़ता है। ये इसका जो थीम है, ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए थे आप? ये कॉन्सेप्ट यही से लाए थे कि हम लोग भारत माता को रक्षा करने के लिए, हाँ, हमारे देश के नौजवान बेटियां इसके आगे, अच्छा, लगे रहेंगे, ठीक है, अच्छा, और हमारे देश को इसी प्रकार रक्षा करते रहेंगे, अच्छा, देश की बेटियां। तो ये बेटियों सिर्फ यहां पर एक भी लड़का नहीं है रक्षा करते, ये सिर्फ लड़कियां रक्षा कर रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि और पीछे से दो कुख्यात भी आ रहे हैं, हाँ, एक उधर से और एक उधर से, दोनों कोने से, क्योंकि लड़के तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमारे देश के बेटियाँ भी इसको आगे लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि हमारे देश में सभी को आगे बढ़ावा मिले रहे और सब अपने भारत को रक्षा करते रहे। आर्मी के प्रति इतना सम्मान है आप लोगों के पास? हाँ, ये तो है हम लोग के प्रति। यहाँ का जो हर एक नौजवान जो होता है इस देश का सरहद पर मर मिटने को तैयार होता है। आप देख सकते हैं उसका एक प्रस्तुति है, एक झांकी आपके सामने मैं पर ये दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से दुर्गा माँ यहाँ पर लेटी हुई है और कुछ बेटियाँ जो है उसको रक्षा कर रही है दुर्गा माँ की। आप दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं किस तरह से रक्षा कर रही है इस दुर्गा माँ का। इधर भी आप देख सकते हैं छोटा छोटा कट्टा यहाँ पर रखा हुआ है, AK-47 की तरह यहाँ पर बंदूक पड़ा हुआ है और देख सकते हैं तिरंगा भी यहाँ पर है, हाथ में है। और पीछे में आप वो देख सकते हैं कुख्यात जो है पीछे से आ रही है, लेकिन चार जो है यहाँ पर लड़कियाँ उसको घेर करके इनको रक्षा दे रही है। ऐसा मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं, ज़रूर इनको कवर करना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए। ऐसी देशभक्ति और ये देशभक्ति की मिसाल पेश कर रहे इस दुर्गा पूजा में। बाकी यहाँ के गाँव वाले भी हैं, देख सकते हैं आप, गाँव वाले भी पूरा इकट्ठा हुए हैं। ये सब भाई नौजवान सब है, नौजवान सबसे भी पूछ लेते हैं कहाँ से आए हैं आप लोग? इसी गाँव से हैं या अलग अलग से? यही गाँव से। यही से है? देशभक्ति के प्रति इतना प्रेम आप लोग के पास? देश के प्रति इतना प्रेम, देश से प्यार, देश से। क्या आर्मी में जाना चाहते हैं क्या आप लोग? हाँ सर। इतना लोग क्योंकि हमारे देश का जो हर एक जो खून होता है ना, मतलब जो जितना भी नौजवान होता है उसके दिलों में एक चीज तो जरूर होता है, जो आर्मी में भर्ती हो और सेना में वहाँ पर जाए, सरहद पर जाए, इतना तो जरूर सबके दिल में होता है, छोटा छोटा से लेकर के बड़ा तक होता है। क्या जी, सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं ना? सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, सब आर्मी में जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा की अनोखा जो है प्रस्तुति है, ऐसा प्रस्तुति मैंने तो कभी नहीं देखा था। एक बार फिर से आप दिखा दीजिए, ऐसा प्रस्तुति आपने कभी नहीं देखा होगा कि दुर्गा पूजा में इस तरह से तिरंगा, इस तरह से बेटियां जो है एक दूसरे बेटियों को रक्षा करते हुए और बंदूक और कट्टा AK-47 के साथ यहाँ पर बेटियाँ प्रस्तुत हो। बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर